हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं नाइन्थ क्लास का चैप्टर नंबर 15, घन और घनाभ। घन और घनाभ के बारे में जो है दो इंट्रोडक्शन वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें बताया गया है कि घन क्या होता है, घनाभ क्या होता है, इसमें कितने शीर्ष पाए जाते हैं, कितने कोर होते हैं, ये पूरा जानकारी जो है उसमें दिया गया है। इस वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ ही आपको आई बटन में भी ये वीडियो आपको मिल जाएगा। तो हम उसमें जो है ज़्यादा समय नहीं लेंगे और सीधा जो है हम प्रश्नावली का प्रश्न देखेंगे। मैं हूं परमानंद पटेल, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल PN पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 15.1 का प्रश्न। प्रश्न देखते हैं, एक घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 1350 वर्ग मीटर है। ध्यान देंगे, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। यहां पर हम ले सकते हैं घन का आकृति कैसा होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी समान, जिसके कारण इसको हम लोग जो है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई न बोल करके सीधा सीधा हम क्या बोलते हैं, घन का कोर बोलते हैं। ठीक है, यहां पर जो है ये आपका घन हो गया, ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो ये घन का कोर हम ए ले लिए, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों जो है कैसे हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। तो यहां लिख देंगे, माना घन का कोर ए है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मान हमको दिया गया है 1350, और हमें पता है कि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 6a² = 1350। तो ये a वर्ग बराबर हो जाएगा 1350/6, या a वर्ग बराबर 6 से इसको भाग दे दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 6 से अगर हम भाग दे दें 1350 को, तो 6 × 12, 1 बचेगा, 5 उतारेंगे, 6 × 12, 3 बचेगा, 0 उतारेंगे, तो ये हो जाएगा 6 × 5 = 30। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका 225। अब a का मान ज्ञात करना है, तो वर्गमूल 225 हो जाएगा, और हमें पता है कि अगर हम 225 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये आता है 15, या फिर अगर आप निकालना चाहते हो तो उस कंडीशन में आपको गुणनखंड करना पड़ेगा 225 का। कैसे, 5 × 2 = 7 × 9, 3 से भाग जाएगा, 3 × 7 = 21, 1 × 15 = 15, 3 × 5 = 15, फिर 3 × 6 = 6, 1 × 15 हो जाएगा, 3 × 5 = 15, 5 × 6 = 25, और 5 × 1 = 5। तो अगर हम जोड़ी बना करके बाहर निकालेंगे तो ये 3 और 5 आएगा, तो 3 × 5 = 15, यानी कि घन का कोर जो है हमको कितना मिला, 15 सेंटीमीटर। हमको क्या चाहिए, आयतन, तो घन का आयतन बराबर कितना हो जाएगा, 1³। तो ये 15³ लिख देंगे, 15 × 15 × 15। तो अभी अभी आप देखें यहां पे कि 225 का वर्गमूल 15, तो इसका वर्ग करेंगे, 15 × 15 करेंगे तो 225, तो ये दोनों का तो 225 आ गया, उस 225 को फिर 15 से गुणा कर दीजिए, 225 × 15 कितना आ जाएगा, 15 × 5 = 75 का 5, हासिल 7, 15 × 30 = 37 का 7, हासिल 3, 15 × 30 = 33, 3375, 3375, और ये किस में आएगा, घन सेंटीमीटर, क्योंकि आयतन है। तो हम क्या लिख देंगे,
तो घन का आयतन बराबर 3375 घन सेंटीमीटर, और ये आपका आंसर हो जाता है। दूसरा प्रश्न लेते हैं, एक घनाभ का आयतन 1200 घन सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहां पर हम लिख लेंगे, माना घनाभ की लंबाई L बराबर कितना दिया गया है, 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई B बराबर ये कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई H ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है, और साथ में दिया गया है हमको आयतन, तो यहां लिख देंगे घनाभ का आयतन बराबर 1200। घनाभ का आयतन होता है L गुणित B गुणित H बराबर 1200। L की जगह हम रखेंगे 15, B की जगह रखेंगे 10, और ये H बराबर 1200, तो ये हो जाएगा आपका H बराबर 1200 बटे 15 गुणित 10, जितना कटता है कटा दीजिए, ये जीरो कट गया। अब यहाँ पर जो है 3 से कटा देंगे, 3 5 6 15, 3 4 12 और 3 0 0, 5 1 5 और 5 8 40, तो ये H बराबर कितना आ गया, H बराबर आ जाता है यहाँ पर 8, 8 यानी कि क्या, 8 सेंटीमीटर। तो हम क्या लिखेंगे, इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो लिख देंगे अतः घनाभ की ऊंचाई बराबर 8 सेंटीमीटर, और ये जो है आपका आंसर आ जाता है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, एक घनाकार डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा यदि प्रत्येक भुजा को दोगुना किया जाए, दूसरा बोला गया है प्रत्येक भुजा को 3 गुना किया जाए, और तीसरा बोला गया है प्रत्येक भुजा को n गुना किया जाए। यहां पर विशेष ध्यान रखना, यहां क्या लिखा गया है, घनाकार, अगर घनाकार लिखा है मतलब घन वाला सूत्र लगेगा, और इसी को लिख देता घनाभाकार तो आपको घनाभ का सूत्र जो है लगाना पड़ता, तो यहां पर घनाकार बोला है यानी कि हम घन का सूत्र लगाएंगे, तो यहां पे लिख देंगे माना घन का कोर ए है, तो क्या बोला गया है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहां लिखेंगे तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम इसको S1 लिख देते हैं, 6a²। यहां पर हमको आयतन वगैरह नहीं बोला गया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो मैं उसको S लिखा हुआ है ना, तो S1 बराबर क्या हो गया, 6a². अब पहला कंडीशन आता है इसमें, यदि प्रत्येक भुजा बोलने से यहां तो सभी भुजा की लंबाई समान होती है, यदि प्रत्येक भुजा दुगुना किया जाए, तो एक के स्थान पर 2a रखना होगा, तो यहां पर S2 ले लेते हैं, और 6 और a² की जगह हमको क्या रखना पड़ेगा, 2a का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, तो 6 इंटू 2a इंटू 2a,
क्या हो जाएगा यहां पर, ये 6 को रहन दीजिए और 2 गुणित 2 का कर देते हैं 4 और ए ए का हो जाएगा ए का वर्ग, या इसको ऐसा कर देंगे 4 गुणित 6 ए वर्ग। ठीक है, 6 और ए वर्ग को एक साथ लिख दिए। और समीकरण एक के अनुसार अगर हम देखें तो 4 इंटू क्या हो जाएगा S1, अर्थात ये जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है पहले वाले पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाता है, 4 गुना, अर्थात प्रत्येक भुजा दुगुना करने पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चार गुना हो जाता है। आया समझ में? यहां पर हम भुजा की लंबाई को अगर दुगुना करते हैं तो एक ही स्थान पर 2 ए रखना पड़ेगा, हमने रख दिया तो 6, 2 ए का वर्ग है तो 2 ए गुणित 2 ए, 2 दूनी 4 और ए का ए वर्ग, 4 को सामने लिख दिया और 6 ए वर्ग। और यहां पर हम समीकरण एक से मान रखे हैं, तो समीकरण एक से अगर हम मान रख दें तो ये 6 ए वर्ग किसके बराबर है, S1 के बराबर है। तो अब देख रहे हैं कि ये S1 का 4 गुना करने पर हमको S2 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर भुजा को हम दुगुना करते हैं तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। अब इसी में सेकेंड अगर देखा जाए तो बोला है कि यदि प्रत्येक भुजा को 3 गुना कर दिया जाए, तो मैं अलग से नहीं लिख रहा हूं, इसी में मिटा करके आपको बता दे रहा हूं। यदि प्रत्येक भुजा, ये जो दुगुना लिखा है इसको मैं कर देता हूं 3 गुना, ठीक है, 3 गुना किया जाए तो एक ही स्थान पर 2 ए के जगह हम कितना लिखेंगे, 3 ए रखेंगे, यहां पर भी 3 ए, 3 ए का वर्ग है तो 3 ए गुणित 3 ए करेंगे, और 3 और 3 का गुणा करोगे तो 3 तिया 9 हो जाता है, 9 यहां पर हम सामने रख देंगे, 6 ए वर्ग यहां आ जाएगा, समीकरण एक से मान रखेंगे 6 ए वर्ग की जगह S1 और यहां पर सामने कितना है 9। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर प्रत्येक भुजा को दुगुना के बजाय हम क्या कर दें, 3 गुना कर दें, तो उस कंडीशन में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आ रहा है वो कितना गुना हो जा रहा है, 9 गुना हो जा रहा है। यहां 4 गुना की जगह क्या हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर मैं इसी को तीसरा में बता दूं, प्रत्येक भुजा को n गुना किया जाए करके बोल रहा है, तो अगर हम यदि प्रत्येक भुजा को हम कितना करें, n गुना कर दें, n गुना किया जाए तो a के स्थान पर हमको क्या रखना पड़ेगा, n a रखना होगा, और अगर हम n a रख दें तो यहां पर क्या परिवर्तन आएगा, मैं उसको यहां पे लिख के बताता हूं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम n के जगह n a रख दें तो 6 गुणित n a गुणित n a, n और n का गुणा करोगे n का वर्ग, ये साथ में 6 और a गुणित a का a वर्ग, तो ये n वर्ग इंटू ये 6 a वर्ग के जगह हम क्या रख सकते हैं, S1। तो यहां पर देखेंगे कि अगर हम प्रत्येक भुजा 3 गुना के बजाय हम n गुना कर दें तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना हो जाता है, n वर्ग गुना हो जाता है। तो इस प्रकार से यहां पर जो है अगर हम देखते हैं कि प्रत्येक भुजा को दुगुना करेंगे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुना हो जाता है, यदि प्रत्येक भुजा को हम 3 गुना कर दें तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 9 गुना हो जाता है, और यदि प्रत्येक भुजा को n गुना कर दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है n वर्ग गुना हो जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।